आप या थर्ड पार्टी, आइए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पर मैंने दो डेक्स लिए हैं, ये डेक जो है ये थर्ड पार्टी के लिए है और ये जो डेक है ये मैंने आपके लिए लिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और अभी फिलहाल आपके पर्सन लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दे दिया है, छोड़ दिया है और आगे बढ़ गई है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपके लिए यहाँ पर आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो आपके पर्सन फिर से आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आया है कि थर्ड पार्टी के आने की वजह से ही रिश्ते में जो है दूरियाँ आई थी और उसको अब वे कम करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या स्टेप लेंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आगे चल करके। और यहाँ पर कार्ड आया है द चैरियट का। अब तक आपके पर्सन जो है वो दीवाने होकर के थर्ड पार्टी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन अब जो है वो बहुत सोच समझ करके अपना कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे। अब वो न्यायसंगत तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर सही नहीं है तो फुल स्टॉप भी लगाना वो पसंद करेंगे इस रिश्ते को। आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या स्टेप लेंगे, तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है, जहाँ पर कि यही है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ में वो फिर से एक हो जाए, क्योंकि आपके साथ में जो उनका रिलेशन था वो एक स्पिरिचुअल लेवल तक का रिलेशन था, एक डिवाइन रिलेशन था, वो उनको रियलाइज हुआ है। आइए ओवरऑल एनर्जी क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि वो रिश्ते को अब खत्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। वाओ, आपके लिए टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके साथ में वो वापस आना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपका पलड़ा भारी है अभी। ऑल द बेस्ट।